dear students in this module we are going to talk about the contemporary approaches to understand and analyze the society and human behavior by contemporary approaches we mean to say that feminism post-colonialism and post-modernism how they help us to understand our contemporary world around us and human behaviors within this contemporary world previously we helped to understand that how different theoretical or, or uh, we can say classical theoretical approaches help us to understand the human behavior however these contemporary approaches are having a quite a different direction from all these classical approaches although we can say that they have their foundations within those perspective or they give us a different lens

बनाता है उनको मेंटेन रखता है जिससे वो इनक्वालिटी मेंटेन रहे दूसरे लफ्जों में फैमनिज़म का जो पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि मेल और फ़ीमेल को माशरे जो हैं वो डिफरेंटली ट्रीट करते हैं जिसमें फीमेल जो है वो रेलिटिवली सबॉर्डिनेट पोजीशन के ऊपर होती है रिलेटिवली uh, एक ऐसी पोजीशन के ऊपर होती है जहाँ पे उसका इस्ताल हो रहा होता है एज़ कंपेयर टू मेल तो इस अप्रोच के ज़रिए अगर हम माशरे के किसी भी स्ट्रक्चर को देखेंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन को देखेंगे तो हमें यही नज़र आएगा कि शायद सोशल स्ट्रक्चर्स जो हैं जेंडर बेस्ड इनक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए बनते हैं इसी तरह से जब हम पोस्ट क्लोनियलिज़म की बात करते हैं तो इट्स अ थ्रेटिकल अप्रोच दैट एम्फोसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोनीलिज़म इट्स लेगेसी इन शेपिंग सोशल रिलेशनशिप्स एंड डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत से माशरे जो हैं वो क्लोनालिज़म का शिकार हुए और उसके बाद आ, उनको आज़ादी मिलने के बाद भी वो जो स्ट्रक्चर्स थे वो जो इंस्टीट्यूशंस थे वो जो इंस्टीट्यूशनलाइज पैटर्न्स थे वो उसी तरह से बरकरार रहे और इसी वजह से ये जो पोस्ट कलोनालिज़म का पर्सपेक्टिव है ये मौजूदा स्ट्रक्चर्स को उसकी कंटिन्यूटी के अंदर देखता है और ये मेंटेन करता है कि कैसे क्लोनलिजम के असरात की वजह से एक ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा सिस्टम बन चुका है जिसमें इनहेरेंट इनिक्वालिटी मौजूद है और ये कभी भी दो डिफरेंट ग्रुप्स या जो सोसाइटीज़ के अंदर मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उन सबको एक ऐसी इक्विलिब्रियम की पोजीशंस के ऊपर खड़ा करके नहीं देख सकता जिसमें के सारे ग्रुप्स एक फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से माशरे के अंदर एक्ट करें पोस्ट मॉडर्नजम इज़ आ थोरेटिकल अप्रोच दैट एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स इन शेपिंग द सोशल रिलेशनशिप्स एंड सोशल स्ट्रक्चर्स जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं इनका ये ख्याल है कि मॉडर्न सोसाइटी ने इनहेरेंटली ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ऐसे सिस्टम बनाए हैं जो इनक्वालिटी के ऊपर मबनी थे जो इनजस्टिस के ऊपर मबनी थे और जो वायलेंस के ऊपर मबनी थे तो वो ये देखते हैं कि कैसे मॉडर्निज़म uh, या मॉडर्नाइजेशन ने लैंग्वेज स्ट्रक्चर इस तरह के प्रोड्यूस किए इंस्टिट्यूशन स्ट्रक्चर इस तरह के प्रोड्यूस किए जो इस तरह की इनकवालिटी को प्रपैचुएट कर रहे हैं तो उनको क्रिटिकली एनाल करने के लिए हम पोस्ट मॉडर्नज़म का सहारा लेते हैं पाकिस्तानी माशरे के अंदर अगर हम देखें और फैमनिस्ट परस्पेक्टिव की मिसाल लें तो हमें नज़र आएगा कि फैमनिस्ट जो हैं वो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को जो है एक इनक्वालिटी को प्रपैचुएट करने का नाम देते हैं कि पेट्रीर्कल स्ट्रक्चर जो है इसकी बदौलत माशरे के अंदर इनटी मौजूद है इसी तरह हम पोस्ट कलोनीज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तानी माशरे को देखें तो जो ब्रिटिश कलोनीलिज़म था उसने जो स्ट्रक्चर बनाए उसने जो इंस्टीट्यूशन बनाए उनकी वजह से आज हम माशरे में बहुत से तबकों का इस्तेसाल होता देख रहे हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट परस्पेक्टिव से इसको देखें तो मॉडर्नाइजेशन के इस रेवोल्यूशन की वजह से जिसमें हम आज देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन में एक रेवोल्यूशन है मीडिया में एक रेवोल्यूशन है ग्लोबलाइजेशन है इस सारे ने मिल के जो है एक ऐसे सोशल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जो पोटेंशली इनक्वालिटी के ऊपर मबनी है अमीर जो है वो अमीर तर और हो रहा है गरीब जो है वो गरीब तर हो रहा है तो ये सोशल स्ट्रक्चर्स पोस्ट मॉडर्निस्ट जब इनको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो क्रिटिकली इवालुएट करके हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं कि कैसे ये इनक्वालिटीज़ जो हैं प्रोड्यूस हो रही हैं और रिप्रोड्यूस हो रही हैं